हेलो स्टूडेंट्स, हाउ इज यू ऑल। आई एम सर्वर आलम, उर्दू फैकल्टी एट मनोज IAS। आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी सेशन ऑफ उर्दू ऑप्शनल। मैं खैर मुकदम करता हूँ उर्दू अदब के हिकमत अमली के सेशन में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू ऑप्शनल का इंतखाब कैसा है, ये फैसला अपने आप में कैसा है, इसको हम तीन सीरीज में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले सीरीज के अंदर उर्दू अदब का इंतखाब कैसा है एक ऑप्शनल के फॉर्म में। और जैसा कि हमें इल्म है या हम जानते हैं, यूपीएससी में जो टोटल ऑप्शनल की लिस्ट है वो 25 है, 25 लिस्ट है। और लिटरेचर यानी कि अदब, अदब के मामले में लिस्ट 23 है। 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और उसके अलावा एक इंग्लिश है। इन 23 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज एक ऑप्शनल के तौर पे हम चूज कर सकते हैं, जिसमें खास करके हम आज गौर करेंगे उर्दू अदब के ऊपर या उर्दू अदब के हवाले से। बुनियादी तौर पे कुछ सवाल परेशान करते हैं हमको कि जब उर्दू अदब का चुनाव हम करते हैं या उर्दू अदब का इंतखाब करते हैं एक मजमुई पर्चे के तौर पे, तो सवाल होता है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें और तैयारी कैसे करें। उसकी वजह क्या है कि कोई भी डिफिनिट मटेरियल इस ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं है। नतीजा क्या होता है कि कुछ सवाल जो हमें परेशान करते हैं कि कहां से तैयारी शुरू करें, और कैसे तैयारी शुरू करें, ये कुछ बुनियादी सवाल है जो हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। इस सिलसिले में आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान के किसी कोने से बैठ करके, एक आसान हो जाए या एक अंदाजा लग जाए आपको कि नहीं कि इस ऑप्शनल का, इस अदब का इंतखाब करना एक अक्लमंद फैसला है और इसकी तैयारी बआसानी घर पर बैठे कैसे की जा सकती है। इसके लिए जैसा हमने शुरू में बताया कि तीन सीरीज में हम वीडियो बनाएंगे, ब्रीफ इंट्रैक्टिव सेशन करके होगा या एक हिकमत अमली के तौर पे, जिसमें सबसे पहला जो जिसके ऊपर आज हम लोग बहस मुबहसा करेंगे वह है उर्दू अदब का इंतखाब कैसा है। दूसरा ये करेंगे नसाब के ऊपर या सिलेबस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस में जो डिफाइंड सिलेबस है उस सिलेबस में किस एरिया पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, और जिस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी तैयारी कैसे हो और कहां से हो। और तीसरा हम करेंगे सोर्सेस के बारे में, सोर्स या रिसोर्स के बारे में करेंगे। ये दो चीजें हम यके बाजीगरी कर रहे होंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न है उर्दू अदब का इंतखाब कैसा डिसीजन है, इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि उर्दू ऑप्शनल की लिस्ट है 25 और लिटरेचर की लिस्ट है 23।
23 इंक्लूडिंग इंग्लिश। किसी भी अदब का इंतखाब, जो भी 23 डिफाइंड लिस्ट है यूपीएससी में, किसी भी अदब का इंतखाब यूपीएससी में बैकडोर सिलेक्शन के फॉर्म में देखा जाता है। इसको हम कह सकते हैं इसे बैकडोर सिलेक्शन मोड के फॉर्म में देखा जाता है। इसको क्या वजह है इसके पीछे, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिफाइंड सिलेबस है इसका, जिसको हम कह सकते हैं कि एक खास नसाब है इसका। और दूसरा क्या है कि कॉम्प्लिकेशन कम है इसमें, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुश्किलात का सामना कम करना पड़ता है। और तीसरी वजह होती है इंटरेस्ट यानी कि रुकबत। यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट के चुनाव से पहले या किसी भी सब्जेक्ट के इंतखाब से पहले एक चीज जरूरी है कि उस सब्जेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट है कि नहीं आपका। इंटरेस्ट उस प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देता है। और हम बात कर रहे हैं आज उर्दू की। उर्दू में ज्यादातर लोग उर्दू पर्चे का इंतखाब वही लोग करते हैं कि जिनको एक तो बुनियादी तौर पर रुकबत है, दूसरी चीज कि वो जहनी तौर पर इससे वाकफियत रखते हैं। उस वाकफियत के बदौलत प्रिपरेशन आपका आसान हो जाता है। इसी में एक सवाल और आता है कि हम उर्दू ऑप्शनल के मुकाबले कोई और ऑप्शनल क्यों नहीं रखें। तो जैसा कि हमने बताया कि उर्दू ऑप्शनल में एक तो सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, दूसरा यह है कॉम्प्लिकेशन नहीं यानी कि मुश्किलात का सामना कम करना होता है, और तीसरा यह है कि इसमें एक रुकबत होती है बुनियादी तौर पर, जो किसी ऑप्शनल के इंतखाब के लिए जरूरी है वह है रुकबत। रुकबत से चीजें आसान हो जाती हैं आपकी। और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है कि वो कॉम्प्लिकेशन जिसको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखें, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ये टोटल जो है वो 500 मार्क्स का है, 500 मार्क्स का है यानी कि 250 और 250, ये कह सकते हैं कि पेपर वन और पेपर टू। जो पहला पेपर है, पहला पेपर पूरी तरह तारीख, तारीख से मुराद हमारा है अदब की तारीख, अदब की तारीख। और तारीख के अलावा अदब के मुख्तलिफ असनाफ, इसके अलावा आप देखिएगा मुख्तलिफ दबिस्तान, और दबिस्तान के साथ साथ जो तनकीदी नजरिया है, दबिस्तान के साथ साथ तनकीदी नजरिया, और आखिरी में होता है ऐसे राइटिंग। तो गोया कि पेपर वन के अंदर हम यहां से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इस एरिया से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो सिलेबस को हमने एक ब्रीफली आउटलाइन किया है ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ सके। इसी तरह चलते दूसरे के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इस पेपर में उर्दू नसर
और उर्दू नज़म या गजल। उर्दू नसर के ऊपर देखते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा मन मोहम्मद हुसैन आजाद, गालिब, प्रेमचंद, बेदी वगैरह खास तौर पे काबिले जिक्र हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं, इसमें मीर हसन, फराक, इकबाल, गालिब, फैज व अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान वगैरह। नतीजा क्या होता है, सिलेबस के बुनियादी तौर पर समझ आ गई आपको कि पेपर वन के अंदर में जो 250 नंबरों पर मुश्तमिल होता है, या इसी तरह जो पेपर टू है ये भी 250 नंबर पे मुश्तमिल है, पेपर वन में बुनियादी तौर पे चीज़ें पढ़नी होती हैं। जब हम डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे इसको तो और अंदर जाकर के हम समझाएंगे आपको, बुनियादी तौर पे हमें यही स्टडी करनी होती है। पेपर टू में बुनियादी तौर पे यही स्टडी करना होता है, यानी कि दो सेक्शन है इसका, नसर का और नज़म या गज़ल का सेक्शन। ये सभी मिला करके ऑलमोस्ट 13 सेक्शन हमें स्टडी करना होता है पेपर टू के अंदर में। और इसी तरह की कम से कम इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 6 से 7 प्रोमिनेंट सेक्शन पढ़ने होते हैं हमको, यानी कि जो खास तौर पे काबिले जिक्र हैं, खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। जब हम सभी कलेक्शन करना शुरू करते हैं एक साथ में, या जब इसका कंपोजिशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा बुनियादी तौर पे 20+ किताबें आपको रेफर करनी होती है इसके लिए। इस 20+ किताब का जो सोर्स है, बुनियादी सोर्स है जो, जिसमें से हम देखते हैं, एक बुनियादी डॉक्टर जमील जालवी, मसूद हुसैन खां, मिर्जा खलील अहमद बेग, अब्राहम ग्रेडसन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी वगैरह। ये हम देखते हैं पेपर वन के लिए। पेपर वन ये पर्चा उगल। अब हम देखते हैं पेपर टू के लिए। पर्चा डोम या दोएम, कुछ चीजें इसमें कॉमन मिलती हैं आपको। डॉक्टर जमील जालवी लोग इसके लिए भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, सर सैयद व उनके रफका, असनाफ अदब उर्दू वो दबिस्तान उर्दू।
वगैरह लाजमी तौर पर पढ़े जाते हैं। आज हम बहस कर रहे हैं कि उर्दू अदब का इंतखाब कैसा है, खासकर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ब्रीफ आउटलाइन हमने बताया कि नहीं, कि दरअसल इस सब्जेक्ट का कंपोजिशन क्या है, इसका कंटेंट क्या है। अब सवाल यह है कि इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्यों करें। हमने मुख्तसर तौर पे आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस के सोर्सेस बता दिए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल यह हकीकी मानों में यह सब्जेक्ट कितना मोतबर है या कितना कितना माकूल है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो जो भी ऑप्शनल की लिस्ट है, खासकर के लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से उर्दू एक है। उर्दू में जो बताया हमने कि आपको 500 नंबर का पेपर होता है, 500 नंबर के पेपर में 250 250 इसमें जो क्वेश्चन करने होते हैं आपको, वो क्वेश्चन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह इसमें भी क्वेश्चन करना होता है 1, 2, 3, 4, 5। जो सवाल की तादाद है वो 8 होते हैं ऑन एन एवरेज। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर एक है, यानी सवाल नंबर एक है पेपर का, दोनों पेपर का, ये लाजमी है, लाजमी है, और ये भी लाजमी है। गोया इस एक सवाल के अंदर में कई बार 3, कई बार 4 और कई बार 5 सवाल होते हैं। और सिमिलर कंडीशन यहां पे भी है, इसमें कई बार 3, कई बार 4 और कई बार 5 सवाल होते हैं एक सवाल के अंदर में, और ये सवाल लाजमी होता है। और बाकी इसके दो हिस्से होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। जो दूसरा हिस्सा है इसका, दूसरे हिस्से में से सवाल नंबर 5, यानी कि पहले हिस्से में से सवाल नंबर 1 और दूसरे हिस्से में से सवाल नंबर 5, ये दोनों लाजमी है, ये भी लाजमी है। और जैसा कि बताया हमने शुरू में आपको कि जिस तरह सवाल नंबर 1 लाजमी है और जिसके अंदर सवालों की तादाद 3 से लेकर के 5 तक हो सकते हैं, इसमें भी 3 से लेकर के 5 तक हो सकते हैं, ये दोनों सवाल लाजमी है। गोया ये 250 नंबर का है, 250 नंबर में से 60+60 ये टोटल हो जाते हैं 120, 120 नंबर, यानी कि 250 से अगर हम 120 को माइनस करते हैं तो ये होगा 130। 130 से हमको 3 क्वेश्चन करने हैं और 120 से हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान समझिएगा आप लोग इसको, वो टेक्निकल एरिया है उर्दू पर। 60+60 120 हो गया। 120 को भी थोड़ा सा हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं इसको। 120 को इसमें 50% श्योर है आपका, सिर्फ अटेम्प्ट करने पे 50% इसका हो गया कि 60 मार्क्स, ये मैंडेटरी है आपको मिलना। कैसे? क्योंकि ये सवाल जो है वो सियाको सवाक पर मुश्तमिल होते हैं, सियाको सवाक पर माखूज हैं या मुश्तमिल हैं। गोया जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर अगर 3 सवाल हैं और ये क्वेश्चन 60 नंबर का है, इसको थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं। ठीक है ना, जैसा हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लाजमी है और ये 60 नंबर का है, 60 नंबर का है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर में 3 सवाल हैं, तो गोया हम ये कह सकते हैं कि 20 20
बीज इस बीज को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम, इस बीज को देखेंगे कि इसमें सबसे पहले होता है सियावको सवाक और फिर होता है तशरी और एक होता है बुनियादी मसला या बुनियादी पेशी या इसकी बुनियादी सिफत, इसकी बुनियादी सिफत। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ एक सवाल की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ 20 नंबर की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी है, 60 नंबर का है, तीन क्वेश्चन है, उसमें से तीन में से सिर्फ एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन में नंबर कैसे इसमें आसानी से हासिल किए जा सकते हैं जो किसी दूसरे ऑप्शन में इसके बनिस्बत आसान नहीं है। अब देखें इसमें से 50% मार्क्स, 50% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पर मोबाइल होता है कि आपने सियाको सबाक को अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया कि नहीं, आपने उसकी बखूबी शनाख्त की है कि नहीं, ये इसके ऊपर मुश्तमिल होता है। गोया 20 नंबर में से 10 नंबर आपको मिल गए बगैर किसी काविश के, एक अच्छी प्रिपरेशन के बदौलत बगैर किसी काविश के आपको 10 नंबर मिल गए बसानी। अब नेक्स्ट बात करते हैं तशरीह की, ये अंडरस्टूड है, ये एग्जामिनर के माइंड में होता है कि जिस लड़के ने सियाको सबाक बखूबी शनाख्त कर ली है या समझ लिया है उसको, गोया उसको इस बात का इल्म है कि इसकी तशरीह कैसे की जा सकती है। नतीजा क्या होता है कि इस तशरीह में 10 नंबर नहीं देकर के हम इसको दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, एक हिस्सा इसका तशरीह का होता है और दूसरा हिस्सा इसका बुनियादी मसला या बुनियादी सिफत, यानी कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है, इश्क हकीकी है, इश्क गैर हकीकी है, यानी कि इश्क मजाजी है, उसके अलावा कि कुछ ऐसी सिफत है, सिफत इल्हामिया है, सिफत खुदाइया है, कुछ ऐसी चीज़ें करके हम उसको बुनियादी मसले में या बुनियादी सिफत में डाल देते हैं। नतीजा क्या होता है कि 5 नंबर इसके और 5 नंबर इसके, क्योंकि अगर तशरीह को 10 नंबर हमने कर लिया तो 10 नंबर में बहुत बेहतर करने के बाद भी 5-6 से ज़्यादा नंबर आपके नहीं आ सकते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा हमने बताया कि 10 नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जब तशरीह आप बेहतर करते हैं तो आउट ऑफ 5 आपको 3 नंबर मिल जाते हैं, गोया हमने 10 में से 3 नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुनियादी मसला, ये एकदम बिल्कुल मैथ की तरह श्योर नंबर मिलता है इसमें, कि आपने सियाको सवाक ठीक से कर लिया, तशरीह की शनाख्त अच्छे से कर ली और बुनियादी सिफर की अगर पहचान आपने कर ली तो गोया कि आपको 3 से 4 नंबर, 3 नंबर ही अगर मान के चलते हैं आपको तो ऑन एवरेज 16 मार्क्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में। किसी भी उर्दू ऑप्शनल के अलावा किसी भी ऑप्शनल में, खा वो नॉर्मल ऑप्शनल के लिस्ट हो या अरबी ऑप्शनल के लिस्ट हो, उसमें ये मुमकिन नहीं है। अरब के अंदर कुछ हद तक मुमकिन है अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए तो। अब हम बात करते हैं आगे, 16 नंबर यानी कि 16, 16 और 16, ठीक है, आप उठा कर देखें कि 60 नंबर में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 48 नंबर मिल रहे हैं आपको। अब हम अंदाजा लगाइए कि परसेंट में कितना हो गया, या हमने सिर्फ एक क्वेश्चन की बात की है आपकी। इसकी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 5 करना शुरू करते हैं पेपर 1 का, सिमिलर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो नतीजा क्या होता है आपका कि जो टोटल आपका स्कोर बनता है आपका, वह स्कोर आपका बन जाता है आउट ऑफ 500 400 प्लस बासानी। और अगर आप इसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन समझिए कि आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, यूपीएससी में टॉप रैंक होल्डर हैं आप, रिमेंबर में यूपीएससी में टॉप रैंक होल्डर है। टॉप रैंक होल्डर मतलब जिसको हम लोग प्रॉपर आईएएस कहते हैं और आईपीएस यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। इस एक चीज तो क्लियर हो गई कि नहीं कि दूसरे ऑप्शनल के मुकाबले इस ऑप्शनल का इंतखाब क्यों करें, तैयारी कहां से करें, तैयारी कैसे शुरू करें, चूंकि जैसे हमने बताया कि बहुत सारे खिलत मिलत है और 5 मिनट और नहीं बहुत है या बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन है लेकर के, इसके लिए हमने शुरू किया है मनोज आईएएस पे इस सेशन को, कि आप आराम से घर बैठे हुए
इस चीज़ से इस्तेफादा ले सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास करके वो लोग जो कोचिंग करने की कंडीशन में नहीं है या जिनकी माली हालात ठीक नहीं है, वो बैठ करके आराम से वो लोग अपने घर से बैठे हुए इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी इसके हिकमत अमली या इसको स्ट्रेटजी सेशन कहते हैं, स्ट्रेटजी सेशन का एक पीडीएफ है हमारे पास, पीडीएफ है। अगर आप में से कोई भी शख्स इंटरेस्टेड है तो उस पीडीएफ को हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके उसको रिसीव कर सकता है उसको। और जैसा कि हमने बताया कि एक सीरीज हमने किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल या उसके नेक्स्ट डे हम इसका सेकंड सीरीज कर रहे होंगे। सेकंड सीरीज में हम सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और थर्ड सीरीज में एग्जैक्ट सोर्सेज के ऊपर। बाकी इन ब्रीफ बता दें कि इसकी तैयारी के लिए जो इक्वल वेटेज है यूपीएससी की तैयारी उर्दू ऑप्शनल के साथ में वो क्या है, क्लासेस, क्लास नोट्स और सब्जेक्टिव मटेरियल्स। ये तीनों चीजों का इक्वल वेटेज है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 33% और ये भी 33%। आपकी लियाकत और सलाहियत और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये चीज़ें वेरी कर जाती हैं। ये 33 से 40% तक हो जाता है। अगर आपकी ग्रास्पिंग अच्छी है और अगर आप हमारे ट्यून से ट्यून मैच करके चलते हैं आप, तो राजबीर में हम इसको यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होती है इसी हिकमत अमली स्टडी सेशन के सेकेंड सीरीज में। अल्लाह हाफिज़।